गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, पार्ट 7, सच्चे मित्र। बच्चों, यह एक नाटक है। इस प्रकार हमारे स्कूल में, विद्यालय में या कहीं भी हम लोग जो नाटक देखते हैं, माने किसी के जीवन पर आधारित कहानी को जब हम लोग उसको निभाते हैं, अभिनय करते हैं, तो उसे ही नाटक कहते हैं। तो वही एक नाटक है जो श्री कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता पर आधारित है, उसे ही यहाँ प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के दोस्त थे। वे दोनों एक ही विद्यालय में विद्या ग्रहण किए थे। बड़ा होकर श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा गरीब ब्राह्मण ही रह गया। लोग उनकी मित्रता को आज भी याद करते हैं क्योंकि उनकी मित्रता बिल्कुल निस्वार्थ थी। आओ इस नाटक को पढ़कर उनकी मित्रता के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, अब आओ शुरू करते हैं। श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे हैं, मंत्री अपने अपने आसनों पर विराजमान हैं। तभी द्वारपाल आता है। द्वारपाल कहता है, महाराज, द्वार पर एक आदमी आया है, आपका दर्शन करना चाहता है। श्री कृष्ण बोले, कौन है वह? तो द्वारपाल कहता है, महाराज, उसका शरीर दुबला पतला है, शरीर पर कपड़ों की जगह फटे पुराने चिथड़े पहने हुए हैं, न सिर पर पगड़ी है और न पैरों में जूते। इस तरह से घबराया हुआ लगता है कि मानो पहली बार शहर आया हो। श्री कृष्ण बोले, उसका नाम पूछा? द्वारपाल ने कहा, जी महाराज, वह अपना नाम सुदामा बताता है। श्री कृष्ण, सुदामा, अरे द्वारपाल, तुरंत जाओ और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर ले आओ। श्री कृष्ण जब अपने सिंहासन पर बैठे थे, उसी समय द्वारपाल आकर कहता है कि एक व्यक्ति आया है जो आपसे मिलना चाहता है, वह अपना नाम सुदामा बताता है। और सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण आज्ञा देते हैं कि उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर ले आओ। द्वारपाल सुदामा को लेकर आता है। सुदामा को देखते ही श्री कृष्ण सिंहासन से उठ खड़े होते हैं। सभी दरबारी भी अपना आसन छोड़कर खड़े हो जाते हैं। आसन मतलब अपना स्थान, चेयर। श्री कृष्ण सुदामा को गले लगाते हुए बोलते हैं, अरे मित्र, आप आओ आओ। सुदामा श्री कृष्ण को दूर हटाते हुए बोलते हैं, दूर हटाते हुए मतलब अपने से दूर हटाते हुए कहते हैं, रहने दो मित्र, तुम्हारे वस्त्र मैले हो जाएंगे, मतलब तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, तो क्या हुआ? तुम्हारे गले मिलकर सच्ची शांति मिल रही है। अरे कोई है, अतिथि के लिए जल लाओ। अरे मित्र, यहाँ बैठा। मतलब श्री कृष्ण सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। सुदामा डरते हुए बोलता है, भाई यह क्या कर रहे हो? यह द्वारका का राज सिंहासन है, इस पर तो राजा ही बैठ सकता है, तुम सिंहासन पर बैठो। मित्र, मेरा आसन तो, यह कहकर सुदामा जमीन पर बैठने लगता है। यह सुनकर श्री कृष्ण सुदामा को पकड़कर बोलते हैं, मित्र, तुम्हारा असली आसन तो मेरा हृदय है, परंतु अभी इस सिंहासन पर बैठो। श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारा असली जगह तो मेरा हृदय है, परंतु अभी तुम मेरे इस सिंहासन पर बैठो। और वह अपने हाथ से अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। और श्री कृष्ण पूछते हैं सुदामा से, मित्र, इतने वर्ष कहाँ रहे? सुदामा कोई उत्तर नहीं देते हैं। श्री कृष्ण उनके पैरों की तरफ देखकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं, आह, पैरों में तो कांटे चुभे हैं, दरारों से रक्त बह रहा है, लगता है अनेक दिन पैदल चलकर आए हो। तभी सेवक एक बर्तन में जल लेकर आता है। श्री कृष्ण सेवक से बोलते हैं, तुम जाओ सेवक, मैं अपने हाथों से इनके पैर धोऊंगा। श्री कृष्ण जब बात ही कर रहे थे, उसी समय सेवक एक बर्तन में जल लेकर आता है। और किंतु श्री कृष्ण अपने सेवक को वापस भेज देते हैं और कहते हैं कि मैं अपने हाथों से
इनके पैर धोऊंगा, मतलब अपने दोस्त के पैर धोऊंगा। बच्चों अब हम लोग अगला पैराग्राफ अगली वीडियो में देखेंगे।